हम लोग सिलीगुड़ी से जलपाईगुड़ी आ रहे हैं। कुछ दिन बहुत ही अच्छा बीता। अभी घर जाके मालूम पड़ेगा घर की हालत, गार्डन की हालत क्या होगी। मुझे बहुत ज़्यादा चिंता रहती है मेरा पेड़ और पौधे के लिए, जो मैंने बहुत ही शौक से लगाया है। घर जाके मेरा हालत बहुत ही ख़राब हो गया था। देखती हूँ सब के सब सूख गए पानी ना देने की वजह से। मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ। चारों तरफ सूखा पत्ता बिखरा हुआ है। मेरा मिर्ची का पेड़ बिल्कुल ही सूख गया है। मेरा ज़्यादातर इंडोर प्लांट सब के सब सूख गए। हर बार हम लोग जब बाहर जाते हैं तो घर में कोई ना कोई रहता है, इस बार कोई नहीं था, इसलिए ये हाल है। गार्डन का सारा काम मैं अपने हाथों से करती हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। ऐसे तो आते ही मैं सब में पानी डाल दिया था, लेकिन फिर भी बचा नहीं। अब ये सब ठीक करने में कम से कम 15 दिन तो लग ही जाएगा। मुझे इंडोर वाला प्लांट के लिए बहुत ही खराब लग रहा है, क्योंकि ये सब मैं नर्सरी से खरीद के लाई थी। जो जो पौधा मिट्टी में था वो सब बच गए हैं। इस बात का थोड़ा सा शांति है। सिर्फ ये वाला इंडोर प्लांट अभी तक बचा है, जो कि ठीक ठाक है, और बाकी के जो बचा है वो काफी वीक है। ये देखिए क्या हाल है। ये स्नेक प्लांट थोड़ा सा ठीक है, ये है डोलो, क्योंकि ये मिट्टी में था अभी तक बचा है। ये डोलो का पौधा मैंने बहुत ही मेहनत करके बचाया है, ये पहाड़ में ज्यादा अच्छा होता है। ये मेरा मालाबार स्पिनिच है, ये इसमें पानी कम लगता है इसलिए अभी तक जिंदा है, क्योंकि ये भी टॉप में ही था। मैंने सोच लिया है इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ और फूल लगाऊंगी, और वो भी मिट्टी में लगाऊंगी, गमले में नहीं लगाऊंगी, ताकि वो ज़िंदा बच सके। ये है मेरा पपीता का पेड़, और नीचे करेला भी था, वो सूख गया है। आज तबीयत मन दोनों खराब था, इसलिए मैं किचन की तरफ ना जाके इधर साफ सफाई में लग गई। आज पूरा का पूरा खाना दीदी ने बनाया, चितल मछेर मीठा, ये बंगला में बोलते हैं, और हिंदी में बोलूँगी कि मछली का पकौड़ा बनाकर फिर इसको ग्रेवी में डाल दिया, और ये छोटा मछली करी, और ये दाल, और भी आलू फ्राई वगैरह बनाया था वो मैं दिखाया नहीं। चितल मछेर मीठा जो है वो ये बहुत ही अलग तरीके से बनाया जाता है, लेकिन मैंने शूट नहीं किया इसलिए दिखा नहीं पा रही। कभी किसी समय अगर टाइम मिले तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही।